दवा खा लेते हैं छूट जाए फिर बुखार आ जाता है, फिर बुखार आ जा रहा है। अच्छा दोस्तों डॉक्टर से दिखवा लिए लेकिन डॉक्टर जो बोले मुझे सुन के बहुत खराब लगा, मुझे इतना खराब लगा कि मैं क्या बताऊं अभी मैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों मैं राजगीर से घूम के आ गया और मम्मी सूरत गई थी, गुजरात गई थी, तो उधर से आई थी। उसके बाद मम्मी के साथ एक बार भी मैं खाना नहीं खाया था और अभी खाने के लिए मैं बैठा मम्मी के साथ। देखो नाश्ता मम्मी बनाई, हम भी साथ हम नहीं खाए, हमको बड़ी पछता दे रहा था, जब खाते थे मन पड़ता था वो छोटकार ले जा रहा थी। एक्चुअली मैं मम्मी का तबियत खराब हो गया था, मैं उधर गया था और मम्मी का तबियत खराब हो गया था तो यही मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी उधर से भाग आया, फिर भी उधर रहा अच्छा दिन। पता नहीं कैसे तबियत खराब हो गया, गाड़ी से हो गया। एसी में बैठ के आई ना इसीलिए, एसी का आदत नहीं है मम्मी को। एसी की आदत नहीं है, कभी आदत नहीं है हमको, लगता मम्मी ट्रेन में पहली बार एसी में बैठी है ना, पहली बार है ना। इतना लंबा रास्ता, तो लंबा रास्ता इतना हुआ और इसीलिए मम्मी का तबियत खराब हो गया, नहीं तो हमेशा जनरल बोगी में ही हम लोग सफर करते थे। शायद कभी कभी अगर रिजर्वेशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमेशा हम लोग जनरल बोगी में ही सफर करते थे। कलकत्ता जाओ जनरल टिकट ले लो, सीट मिल जाता था। गांव जाते हैं तब जनरल में, कलकत्ता जाते हैं जनरल में, बैठे जेमरा माथा पकड़ लिया। तो आई यहाँ पे कल दवा वगैरह दिए ला करके तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा मम्मी का, दवा दिए लाइन के तो ठीक हो गया। खा लो ये सब, खा लो, मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ, मम्मी मुझे दी है इतना सारा नाश्ता। इस तरह का नाश्ता उधर हम लोग ढूंढते रह गए, मिला ही नहीं। बढ़िया 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 है। दोस्तों मेरा अभी तो नाश्ता हो गया और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा हॉस्पिटल डॉक्टर का नंबर लगाने के लिए। हाथ आज दिखवाऊंगा मैं, हाथ में बहुत पेन है, उतना दिन से मतलब मेरे को लग रहा था ठीक हो जाएगा, दवा खा रहा हूँ लेकिन ठीक नहीं हो रहा, अभी दिखाना ही पड़ेगा। और इधर मम्मी पहले से काफी ठीक हो गई है ना। चलो ठीक हो गई, ठीक से रहना, अगर दिक्कत होगा तो हमको तुरंत फोन करना, ऐसा नहीं है कि बर्दाश्त करेगी। फीवर ठीक हो गया भाई हमको, अच्छा लग रहा है, ठीक हो गया लगा 4-5 दिन। अच्छा ठीक है, आते हैं तब हम उधर से नंबर वगैरह लेके। अच्छा ठीक है जा। और थोड़ा कॉलेज भी जाना है, कॉलेज का भी थोड़ा काम है तो उधर से करते हुए सारा काम आएंगे एक ही बार में, डायरेक्ट आ रहे हैं। ठीक, घर से होते हुए अभी मैं कॉलेज पहुंचा हूं, अपना कॉलेज यही है अपना कॉलेज, और यहीं पे अभी फ़िलहाल मैं पहुंचा हूं। और यहां पे मुझे थोड़ा काम था, कुछ एक सर्टिफिकेट मेरा लेना था सर से, तो वो वाला सर्टिफिकेट तो अभी लेना हुआ नहीं, बट अभी डॉक्टर के पास जाऊंगा नंबर लगवाने के लिए क्योंकि हाथ का जो पेन है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी देखता हूँ, जा रहा हूँ डॉक्टर का नंबर लगवा देता हूँ, कल परसों जब भी का मिलेगा मैं ले लूँगा, बिकॉज मुझे दिखवाना है, बहुत पेन होता है कुछ भी सामान उठाने में। बाकी मेरे कॉलेज में पूरा हरियाली हरियाली होके रखा है अभी, क्योंकि मौसम ही वही है, यही कुछ टाइम के बाद मेरा कॉलेज चेंज हो जाएगा, मैं यूनिवर्सिटी में चला जाऊंगा, यहीं पे हमारे धनबाद में बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है उसी में। दोस्तों अभी मैं कॉलेज से थोड़ा देर पहले मैं आ गया था और आके नहा लिया, बहुत गर्मी लग रहा था, डॉक्टर के पास नंबर लगाने गया था लेकिन मुझे लगा कि कल मिलेगा नंबर, लेकिन आज ही मिल गया सेकेंड हाफ में। तो अभी आके मैं नहा लिया और मम्मी इधर है, मम्मी को कोयला नगर जाके छोड़ना है। अभी मम्मी का तबियत काफ़ी ठीक है पहले से, जब मैं आया तो उस टाइम बेचारी सोई हुई थी, मतलब माथा दर्द बोल रही थी ऐसे ऐसे, फीवर हो गया माथा दर्द। अभी स्माइल आ रहा है चेहरे में, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ठीक है ना, अच्छा भी लग रहा है, नहीं तो फिर ऐसे बहुत खराब लग रहा था। बाबू देखे मेरा बुखार वो तबियत वो ठीक हो गया। नहीं जब मैं आया था उस टाइम मम्मी गजब सोई हुई थी, आप थंबनेल में भी फोटो देखे, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, बट अभी मम्मी काफी ठीक है ना। ठीक हो गया। और मम्मी को अभी जा रहा फिलहाल कोयला नगर छोड़ने, पुराने वाला घर छोड़ने के लिए, वहाँ पे आंटी लोग बुलाई है तो थोड़ा मिलने के लिए जा रही है, और भी कुछ कुछ मम्मी का काम है। और मैं जाऊंगा अपना डॉक्टर से दिखवाने के लिए हाथ। सारा पुराना पेपर जितना था मेरा मैं सारा ले चुका हूँ, इस बैग में सारा पेपर रख दिया हूँ, और एक्सरे जो कराया था वो भी अभी इसमें रखा हूँ मैं, तो मैं उधर से चला जाऊंगा और मम्मी को उधर छोड़ दूंगा। चलो मम्मी, हाँ चलो। दोस्तों अभी हम लोग फिलहाल निकल चुके हैं, ये देखो मम्मी भी बैठ चुकी है, आज मम्मी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, बिकॉज मम्मी का क्या है ना तबीयत खराब था, मुझे बहुत खराब लग रहा था उधर पर, जब मैं राजगीर में था ना तो एक दिन में 10-20 बार ऐसे कॉल करता था, मम्मी का फ़ोन ऑफ हो गया था तो टेंशन और था, लेकिन पापा के फ़ोन में बार बार फ़ोन करके पूछते थे तो वो ठीक है ठीक है, तो थोड़ा अच्छा लगता था। तब ठीक लग रहा था, और अभी हम लोग निकल रहे उधर, मम्मी को मैं छोड़ के आया हूँ अपना डॉक्टर से दिखवाने के लिए फिलहाल,
यही है, मतलब यहाँ पे आने के लिए ना बहुत दिनों से मैं इधर उधर घूम रहा था, लेकिन मुझे ना एक बार दो तीन बार मैं भुला गया था रास्ता कि मुझे जाना किधर है, बट आज फाइनली डॉक्टर के पास आ चुके हैं। अभी दिखवाएंगे, बाकी पिछले जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स था मेरा जो एक्सरे करवाया था सारा कुछ लेके आया हूँ, अभी देखते हैं क्या बोलेंगे सर। तो नंबर मेरा लग गया है और वेटिंग रूम में अभी मैं फ़िलहाल बैठा हूँ। मेरे साथ में कई सारे पेशेंट लोग हैं बैठे हुए इसी तरह दिखवाने के लिए। फाइनली डॉक्टर सर के पास अभी आ चुके हैं दिखवाने के लिए, अभी देखो क्या बोलते हैं सर, वो तो आगे पता चलेगा, बस अच्छा हो जाए मेरा। और कुछ दोस्तों डॉक्टर से दिखवा लिए, लेकिन डॉक्टर जो बोले मुझे सुन के बहुत ख़राब लगा, मुझे इतना ख़राब लगा कि मैं क्या बताऊँ। अभी मैं फ़िलहाल अपने पुराने वाले घर पहुँचा हूँ, मम्मी यहीं पे थी, आंटी के पास में बैठी हुई थी और मम्मी का जो काम था वो करवा ली। डॉक्टर मतलब जो बोले बहुत ख़राब लगा, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा दिन इसमें हो गया है ना, तो वो बोले कि अभी ये टेम्पोररी सॉल्यूशन दिए हैं, ये बोले बैंडेज इसको परमानेंट मतलब 24 घंटे इसको बांध के रखना है, ओनली नहाने का टाइम खोलना है, तो इसको भी बांध कर रख रहे अभी एक सप्ताह। बोले कि एक सप्ताह में अगर आराम हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में प्लास्टर करना होगा, 1.5 महीना रखना होगा उसको। तो बोले ठीक है, और बोले कि अभी कहीं भारी सामान अभी नहीं उठाना है, ऐसा वैसा कुछ भी। तो बस यही सुन के थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पेन होता है ना कुछ भी सामान उठाने में। गाड़ी भी चलाएगा तो प्रॉब्लम लगेगा ना? नहीं, गाड़ी चलाने में नहीं लगता, सामान उठाने में लगता है। तो वही चीज़ इसको डाल लेना, एक्सरे जो करवाए थे वो रखती है अभी फिलहाल, पता नहीं देखते हैं। अभी ये तो बांध लिए हैं, लेकिन एक बार और सेटिस्फाई होने के लिए ना एक और अच्छा एक डॉक्टर है, उनसे भी एक बार और राय ले लेंगे, दिखवा लेंगे। चलो अभी तो फिलहाल जा रहे हैं वो वाला घर हम लोग। चलो अम्मी चलो। दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल घर पहुंच चुका हूं, बस इसका एक अलग टेंशन हो गया मुझे, दिन ज़्यादा हो गया, पता नहीं क्या होगा अभी। और इधर मम्मी भी आ गई है, ये भी तब से सोच रही है, और मम्मी इधर खाना निकाल के दिए मुझे खाने के लिए, ये चावल वगैरह कुछ बना, चावल दाल सब्जी। मम्मी जब रहती है तो मुझे स्पेशल खाना मिलता ही है, देखते ही आप लोग, बाकी नहीं रहती है तो फिर जैसे जैसे पेट भर लेता हूँ, उसका कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और इधर मम्मी भी खाने के लिए अभी फ़िलहाल बैठ गई है, ये देखो मम्मी का ये चावल दाल और मेरा भी ये चावल दाल सब्जी। पकौड़े हम थोड़ी खाएंगे मम्मी? हम खा लिए फोटो। हाँ खा लिए, खा लिए फिर भी नहीं खाओ, दोनों खाएंगे मिल बाट के खाएंगे। नहीं नहीं खाओ ना, हो गया थे एक खा चुके हम। बाकी इधर मम्मी ऑमलेट बना दी अभी फिलहाल, हम दोनों भी खाएंगे ये ऑमलेट। बस अरे पापड़ लिए थे मॉल मिली थी, अच्छा लग रहा है। लो यार है। लो लो, खान, खान। लो ना छोटी दीदी को ना इसी तरह खिला रहे थे तो मेरा उंगली काट ली थी। देखे देखे अच्छा लग रहा है मम्मी, ये लो इसको इसी से काट दो ना, काटने में मजा आएगा थोड़ा। हाँ ठीक है बढ़िया बढ़िया है। हाँ खाई भी नहीं और बढ़िया है, हैं बढ़िया है। दोस्तों खाना पीना खा करके हम लोग मतलब सो गए थे, मम्मी रूम में सो गई थी, मैं ये वाला रूम में सो गया था, क्योंकि मुझे ठीक भी नहीं लगा। वो डॉक्टर मुझे बोले ना ये वाला हाथ में जो दर्द है ये पता नहीं कब ठीक होगा, मुझे नहीं पता, बट ये जो बोले कि 24 घंटा इसको लगा के रखना है, बाकी जो होगा एक सप्ताह के बाद रिजल्ट बताएंगे, अगर ठीक नहीं होगा तो बोले प्लास्टर कर देंगे, पता नहीं क्या होगा। बस भगवान से मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ठीक कर दे। और मम्मी कहाँ है पता नहीं, मम्मी माँ सो ये मम्मी नहीं लग रहा है, फिर बुखार आ गया, बुखार आ गया तो देखें ठीक नहीं लग रहा, पसीना लग रहा हुआ है ना, अभी दवाई खाना। ये वाला दवा दे देते भी पारासीटामोल, दवा खाई थी मम्मी? अभी खाया दवा, देखो देखो और ये लो खा लो। नहीं नहीं अभी खाया है, देखो अभी पसीना आया है। हाँ फीवर तो छुट्टा है, फीवर तो छुट्टा है मम्मी।
ठीक नहीं लग रहा ना? क्या हो रहा है? डॉक्टर से मेरा इधर हुआ और मम्मी के साथ में भी ये हो रहा है, क्या ही बताएं। मैं उधर सो गया था और मम्मी भी आके इधर सो गई। मम्मी को पता नहीं तबियत कैसे खराब हो जा रहा है, अभी अचानक समझ नहीं आ रहा है। बार बार बुखार, दवा खा लेते हैं छोड़ जाए, फिर बुखार आ जाए। अच्छा मम्मी, चलो ठीक लग रहा है, चलो उड़ी उड़ी उठो मम्मी, उठियो उठियो उठियो, रुको ना, उठेंगे, उठियो 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 उठियो। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? माथा दर्द हो रहा है। चलो थोड़ा सा उठ जाओ ना, इधर उधर थोड़ा टहल लो तो ठीक लगेगा। चलो टहल लो, थोड़ा इधर टहल लो, इधर सब ठीक लगेगा। तो मम्मी ये दवा खा लो। कौन दवा है? ये दोनों एक एक टो करके खा लो ना, एक एक टो करके खा लो। ये लो पानी खा लो, ये पानी लो। हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब एंटीबायोटिक है, ये खा लो। हाँ खा लो ना, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दवा खाने के बाद मम्मी का देखो कैसा चेहरा हो गया। हल्का बुझाया। और अभी क्या खा रही है? अभी पापड़ खा रही है। पापड़ खा रहा है। एक दिन पहले बुखार छूट जाता है ना, तब लगता है कुछ खाने का मन करता है, मुंह बड़ी तीता तीता लग रहा है। बुखार हुआ खाओ, थोड़ा सा मुँह फसला नहीं, बना के रख दिए हैं ना, कल बनाए थे सुबह ही। नहीं पसीना से तो भींग गया होगा साड़ी वगैरह, ऐसा करो ना चेंज कर लो ये साड़ी, तो रात रात में सोने में ठीक लगेगा तब। हाँ चेंज कर लो, ठीक लगेगा तब, बदल लेते हैं। हाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मम्मी का इस तरह हालत हो जाता है, बट हंसती है तो अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं मम्मी को बेटा का दर्द पता है। दर्द का सॉल्यूशन देखो क्या है, मेरा जो फेवरेट है ना भाजी, बैगन भाजी, वो मम्मी बना दे रही है ना। मम्मी का थोड़ा तबीयत अभी ठीक हो गया है, ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है। तो स्पेशल अभी बन रहा है बैगन भाजी, जो मैं आज करीब 20 दिनों के बाद मैं आज खाऊंगा। 20 दिन तो हो गया गाँव में या उससे ज्यादा? नहीं उतना दिन हो गया। वही ना, 20 दिन के बाद आज बना रहे, क्योंकि उधर क्या था ना, मेरे हाथ में मतलब ज्यादा पेन हो रहा था, तो फिर बहुत सारे लोग मतलब मिले मुझे, तो बता रहे थे कि ये सब खाने से भी पेन करता है, तो उस दिन के बाद मैं छोड़ दिया। अब मम्मी को पता चला तो बनाना ही छोड़ दी, इसलिए अभी नहीं खा रहे। बाकी डॉक्टर से दिखवाए हैं, बाकी देखिए दवा वगैरह लेंगे, क्या बोलते हैं डॉक्टर पता नहीं, अभी तो मुझे नहीं पता क्या होगा। सर स्पेशल बैगन भाजी बन गया है, मम्मी बना दी बैगन भाजी, साथ में ऑमलेट बनाई है मम्मी, ये देखो मस्त ऑमलेट लग रहा है। हम लोग तीनों बैठे हैं यहाँ पे खाने के लिए। पापा पानी ले लीजिए, और इधर मैं, इधर मम्मी, इतना सारा खाना हम लोग सभी को मिलके फिनिश करेंगे। एक दो तीन बैगन भाजी, चार इधर, एक पाँच, ये छह मम्मी। कोई बात नहीं, इसीलिए तो सोचे कि हमेशा तो हमको खाना मिलता ही है, दो चार दिन अगर हम लोग मार भात खा के रहेंगे क्या यार, मार भात खराब चीज नहीं है, पेट के लिए बहुत ही अच्छा चीज है। मार भात क्या खराब है? खराब ना है, अच्छा है। ऐसे हमने खा लिए कितनी बेस बेस वहाँ, और थोड़ा देखो लिए ना, बड़े मार जा रहे। कोई बात नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इधर पापा भी खाने के लिए बैठे हैं। सभी को जो जो है सभी को यहीं से ले लो ना, मिल बाट के सब खत्म कर दो। सब्जी भी एक्स्ट्रा ना, चल ये भी सब्जी है लेकिन टेस्टी बना, दोपहर में खाए थे ना ये, अभी तक नहीं खाई थी। हाँ तो अच्छा लगा वो। हाँ मुँह तक। बाकी आज मंदिर में ना भोग लगा हुआ था खिचड़ी का, तो वही खा लिया। अरे कुछ सुविधा नहीं था ना, तो इसीलिए खीर नहीं था दुर्गा मंदिर में। महादेव के पास में प्रसादी, तो पत्तल में कैसे लाते हैं, गिर ना जाता इसलिए नहीं लाए। हाँ हम तो खाए इसलिए तो उधर हुआ नहीं खाना। थोड़ा फैन बढ़िया
ये ऑमलेट नहीं तो है। तो दोस्तों मेरा अभी खाना पीना हो गया, मम्मी का भी हो गया, थोड़ा सा मम्मी को ठीक लगा तो हम लोग तीनों को बैठ के एक जगह खाना खाए, बहुत अच्छा लगा इस तरह बैठ के खाने में। और मेरा भी टी शर्ट वाला भींग गया तो मैं पहन लिया दूसरा टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट पहन लिया। तो फिलहाल दोस्तों आज का ब्लॉग करूँगा यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जितना हो सकता है उतना, कमेंट में प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।